जैक स्नाइडर की वॉनाबी स्टार वॉर्स मूवी फाइनली नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है, तो वो मूवी एक्चुअली में कैसी है और स्टार वॉर्स मूवीज के कंपैरिजन में क्या क्वालिटी वाइज होल्ड करती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जैक स्नाइडर है कौन। तो अगर आप लोगों ने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स नहीं देखा है, जो कि शायद देखा ही होगा, तो आपको पता होगा जैक स्नाइडर कौन है। इन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील, जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग जैसी बहुत ही अच्छी मूवीज डायरेक्ट की हैं। तो इसको मैं स्टार वॉर्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये साईफाई है, ये स्पेस वाली मूवी भी है और इसके बहुत सारी जगह पे आपको स्टार वॉर्स से इंस्पिरेशंस दिखेंगी और इसमें लाइट सेबर्स जैसे टूल्स भी यूज हुए हैं। अगर हम बेसिक प्लॉट की बात करें विदाउट स्पॉयलर्स दिए, तो जो हमारी मेन कैरेक्टर है कोरा, वो एक फार्मर है और वो अलग अलग प्लैनेट्स पे जाती है और वहाँ पे टीम असेंबल करती है कि वो मेन वाले विलन को हरा सके, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल है। ये मूवी पार्ट वन है और इसका नाम है अ चाइल्ड ऑफ फायर। इसका पार्ट टू मतलब रेबल मून स्कार गिवर, वो भी 4 महीने बाद ही रिलीज हो जाएगा 19 अप्रैल 2024 को। तो मूवी आपको क्या अधूरी फील होगी या पूरी, क्योंकि ये क्लिफ हैंगर पे एंड होने वाली है। तो सिंपल से वर्ड से बताऊँ तो देखो, मूवी जिस प्लॉट को लेकर चलती है स्टार्टिंग में, उसको वो कंप्लीट कर देगी लास्ट में, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन वाला एलिमेंट मिल जाएगा। पर एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होगा ये छोटा विलन है और इससे भी बड़ा कुछ आना बाकी है, तो उसके लिए पार्ट टू का आना ज़रूरी है। बाकी स्टार वॉर्स या बाकी साईफाई और फैंटेसी मूवीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा देखते रहते हो, तो जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे आपको बहुत सारे कंपैरिजंस और इंस्पिरेशन सीख जाएंगे अलग अलग सीन्स में। ऊपर से जैक स्नाइडर का स्लो मोशन स्टाइल वो इतना ज़्यादा है कि पूरी मूवी में बिखरा हुआ है, तो देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगता है। तो कुछ कुछ जगह तो ज़रूरत थी भी नहीं, जहाँ पे एक्शन सीन्स नहीं आ रहे थे तो वहाँ पे इनको स्किप किया जा सकता था, पर अगर आप स्लो मो के फैन हो तो आपको ये स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मूवी अपने CGI और VFX पे भी अच्छा काम करती है और वर्ल्ड बिल्डिंग में भी कामयाब होती है। जैसे कि हम अलग अलग प्लैनेट्स पे जाते हैं, वहाँ पे नए नए क्रिएचर्स, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स और अलग अलग तरीके की सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। पर जब बात आती है कि आप मूवी देख के कुछ फील कर पा रहे हो, तो मूवी मोस्टली इमोशंस पे फ्लैट फील होती है। इतने सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में आपके साथ ये होता है कि आप एक कैरेक्टर से भी कनेक्ट नहीं कर पाते हो। यहाँ तक कि जो मेन कैरेक्टर है कोरा, जिसको सोफिया बुटेला ने प्ले किया है, उनका कैरेक्टर भी थोड़ा अंडर डेवलप्ड ही फील होता है। कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है, आप इतने सारे लोग, इतने सारे प्लेसेस एक साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि आप उनका ट्रैक नहीं रख पाते हो, ज़्यादातर चीज़ों के नाम भूल जाते हो। ऐसा फील होता है कि मूवी में बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रैम करने का मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट भरने की कोशिश की है 1-2 घंटे की मूवी में। तो क्या ये मूवी बहुत ज़्यादा फास्ट पेस है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं? हाँ, मूवी तेज़ तो बहुत ज़्यादा भागेगी, पर तेज़ भागने का मतलब ये नहीं होता है कि वो एंटरटेनिंग भी हो, क्योंकि मूवी एट टाइम्स आपको बोरिंग भी फील हो सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं थॉट्स बताऊँ तो मूवी कुछ ऐसी है, इसका पोटेंशियल तो बहुत अच्छा है और आपको लगता भी है स्टार्टिंग में देख के कि ये बहुत आगे जा सकती है, और उसका एग्जीक्यूशन बहुत वीक रह जाता है। मूवी एक एवरेज मूवी है और इसको मैं रेट करूँगा 6 out of 10। तो क्या अब हम इस मूवी का सेकंड पार्ट का वेट करेंगे? हाँ, मेरा तो कर रहा है, क्योंकि मूवी कैसी भी हो पर कहानी जो इनकम्प्लीट रह गई है उसके लिए क्यूरियोसिटी अब भी जगी रहती है। तो यही था रेबल मून अ चाइल्ड ऑफ फायर का रिव्यू। अगर आपने मूवी देख ली है तो बताइए कमेंट्स में आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।